नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। देश को आजाद हुए 73 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। वही 73 वर्ष में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित बकाई गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची। लेकिन आदिवासी बहुमूल्य गांव होने के बावजूद भी इस ग्रामीणों ने 15,000 रुपए जमा किया और अपने गांव तक बिजली ले आई। गांव में बिजली पहुंचते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। इस गांव में न आने का रास्ता है, न ही बिजली था। मूलभूत सुविधा से दूर गांव के लोग आज भी लालटेन युग में जीवन जी रहे थे। आलों के स्टोर में अभी तक बहुत दिन से इलेक्ट्रिक नहीं पहुँचा है। अपने खर्चे करके, अपना पैसा खर्चा करके कुंटल लगा के लाया है, अभी यूज कर रहे हैं। हम लोग को इधर तो बिजली भी नहीं था, कुछ भी नहीं, वो भी दिक्कत एक था। और पानी उनका कुछ नहीं है, वो भी दिक्कत है। पानी भी इधर टंकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व इस भीषण महामारी के संकट यानी कोरोना से जंग लड़ रहा है, एवं वर्तमान समय में जहां कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखा रहा है, इस वक्त पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बना चुके जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रथम पंक्ति में कार्य करने वाले इन योद्धाओं ने जेम ब्लड बैंक श्रीमान संजय चौधरी जी के मार्गदर्शन में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ निरंतर समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल के दौरान जहां हर विषम परिस्थिति में रक्त की कमी को सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर इस कमी को पूरा किया गया, सबसे विशेष कोरोना से जंग लड़ रहे वैसे मरीज जिन्हें प्लाज्मा रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। जो भी कोविड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोग से अपील करना चाह रहा हूँ। जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए हैं, उनका 14 डेज हो गया है, वो कृपया करके आए, सामने आए और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सैंपलिंग दे। उसका एंटीबॉडी लोड चेक किया जाएगा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, हेमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, सारा टेस्ट किया जाता है। वो करने के बाद आपका प्लाज्मा डोनेशन, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप प्लाज्मा डोनेशन इजीली से कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन 100% सेफ है, इसमें किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आता है, किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं होता है और किसी तरह का कोई फील्स भी नहीं होता। आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप डोनेशन कर सकते हैं। तो जमशेदपुर ब्लड बैंक की तरफ से मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया जो भी रिकवर हुए हैं, जिनका 14 डेज नेगेटिव से हो गया है, वो सामने आए। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किए। यह कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होगा। इसके तहत रांची जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं उपलब्ध होती है तो उन्हें निकटतम जेल में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रांची परमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से बुल्हान परमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे।
कोरोना से मौत में कोविड 19 मरीजों के लिए संजीवनी साबित होता ऑक्सीजन सिलेंडर की जिले में भारी कमी, जिसका जायजा लेने पर ऑक्सीजन कंपनी के गाड़ी चालक ने बताया जिले में 9 गाड़ी तमाम अस्पताल में जरूरत के अनुसार सप्लाई के लिए दौड़ रही है, जहां बिना भोजन के बाल बच्चों का चिंता के बिना सेवा के ख्याल से रात दिन लगे हैं। अंदर हम लोग लगे हुए हैं, जहां गैस का दरकार है वहां हम लोग गैस सप्लाई कर रहे हैं कंपनी का तरफ से। हम लोग का शहर में हम लोग का कंपनी का 9 गाड़ी घूम खाली ऑक्सीजन सप्लाई। पिछले 2 माह से परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महलीज की जमीन पर अतिक्रमण का खेल जारी है, जहां लगातार प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा उक्त स्थल से अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा जा रहा है, बावजूद इसके अतिक्रमणकारी मानने को तैयार नहीं। इधर अतिक्रमण मामले में परसुड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों को जेल भी भेज दिया है, उसके बाद भी अतिक्रमणकारी महिलाएं मानने को तैयार नहीं। पुनः 5वीं बार परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महलीज की जमीन पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान का नेतृत्व अंचल अधिकारी अमित श्रीवास्तव स्वयं कर रहे थे। इस दौरान परसुड़ी बागबड़ा और सुंदरनगर थाना के प्रभारी समेत कई जवान उक्त स्थल पर पहुंच अतिक्रमणकारी महिलाओं और पुरुषों को धर दबोचा, साथ ही उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया और उनके द्वारा निर्माण किए गए झोपड़ी नुमा लगभग 7 घरों को ध्वस्त किया गया। इनकी पीछे अभी तो ऐसा कोई जो है वो नाम नहीं आ रहा सामने, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई है जो उनको बार बार सिखाते हैं, एक ही चीज बार बार आ रहे हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि उनको एक बार वार्न किया गया, एक बार मौका दिया गया, उसके बाद भी यही समझ रहे हैं 3-4 बार 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 लौट जा रहे हैं। तो इस बार वरीय पर अधिकारी किए गए पूरे मामले को टाटा उड़ीसा मार्ग में हाथा के समीप नवनिर्मित पुलिया के बगल में डायवर्सन की मरम्मति के नाम पर खानापूर्ति किए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मीडिया में खबर प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद ठेकेदार द्वारा गड्ढों को भरकर छोड़ दिया गया, मगर वहीं लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है मगर विनाश के साथ नहीं। ये हमारा राज्य का जो राजस्व का बर्बादी, क्योंकि उसमें जो फिक्स लागत होता है, जो निर्धारित लागत, उसमें कमी कभी नहीं की जाती है, पूरी तरह से ठेकेदारों को दी जाती है, लेकिन वो जो काम करना चाहिए वो कभी होता ही नहीं है। अब देखिए, अब पुलिया को देखिए, आज 1.5-2 महीना से वैसे ही पड़ा हुआ है, रोड लगा करके एक बार ढलाई हुई, पानी का नाम वो निशान नहीं कभी दिया ना, डाइवर्सन में देते हैं कभी कभार इसमें देता था, लेकिन वहाँ तो दिया ही नहीं। और ये डाइवर्सन का जो ये तो मौत का कुआं जैसा बन गया है, इसमें ठीक से बोर्ड नहीं दिया है, कितना एस्टिमेट है, क्या इतना छोड़ लगेगा, क्या लगेगा, इसका कुछ नहीं। ठेकेदार अपना लेवर लगा दिया है और अपना चल गया है, इसमें पानी देना है, पानी नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे गोंगाड़ी से लेकर भाला रोड को जहाँ तहाँ माटी ढाल रहा 3-4 इंची था, उसमें 2 इंची पीच दे करके और चला जा रहा है। राज्य सरकार जो कर रहा है ना, ये घोटाला से घोटाला हो रहा है, ठेकेदार को आगे बढ़ा रहा है। हम सबसे पहले तो यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, अभिजीत बाबू और शंकर गुप्ता जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस मुद्दा को, इस जनहित के मुद्दे को उठाया और ठेकेदार ने भी इसको संज्ञान में लिया, लेकिन इसको जैसे लेना चाहिए था उस मुताबिक इन्होंने लिया नहीं। सिर्फ अपना खाना पूर्ति के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर में पत्थर को रेख दे दिए है। अब अगर बोला जाए तो पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गया है, और इसके डाइवर्सन के साइड में रेडियम दे करके उसको ब्रेकेटिंग करना चाहिए। अभी अगर गाड़ी आ जाएगा तो वो पार हो जाएगा सीधा, इसलिए वो भी नहीं किया है। कैप्सूल्स फार्मा योर हेल्थ पार्टनर, यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है, होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा, हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड आदर्शिला टावर सेमी बेसमेंट शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल, अभी कॉल कीजिए एट 700 46 15
4005। Galaxy Caterers, parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launchers and more. Our address, The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number, 8210412836, 9431380979, 7209190979. पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगढ़ थाना अंतर्गत जोबला गांव के रहने वाली दूरी सबर पढ़ाई करने के लिए वीडियो और सीओ ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुकी है। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से यह छात्रा सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही वीडियो को मिला, वीडियो ने सीओ को अविलंब जाति प्रमाण पत्र देने का फरमान जारी किया। उधर जाति प्रमाण पत्र सीओ ने अपने कार्यालय बुला कर दे दी है। वैसे जाति प्रमाण पत्र मिलते ही अब दूरी सबर को मिलने वाली छात्रवृत्ति बहुत जल्द मिल जाएगी। उधर मुखिया ने ऐलान किया कि इसकी पढ़ाई में जो किताब कॉपी और पेंसिल लगेगा वो जिला प्रशासन देगी। वहीं जिला प्रशासन ने मुखिया से बात कर किताब मुहैया कराने का आदेश दिया है। वैसे सवाल सिस्टम पर उठता है कि जिसके पास पैरवी है या बड़े लोग हैं उनका काम कहीं नहीं रुकता, और जो गरीब है वह कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। इनका दुखद समाचार को मैंने अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उस पत्र को एसडीओ के यहाँ अनुमंडल अधिकारी को अग्रसित किया। अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने इनको बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि इस प्रखंड का हमको लगता है इकलौती ये छात्रा होगी जो बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, आदिम जनजाति के समुदाय से होकर की पढ़ाई में इतना रुचि दिखा रही है। इसलिए एसयू साहब ने इनका आगे भी जितनी इनकी इच्छा है पढ़ाई के लिए, अंतिम छोर तक इनको आर्थिक स्थिति से तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाम दुरे सबर है और हम सबर जन सबर कास्ट के हैं, और आगे की पढ़ाई के लिए एसडीओ साहब से हमको पढ़ने के आगे पढ़ने के लिए जो है मदद मिल रहे हैं। कोरोना काल में झारखंड राज्य के बोकारो शहर ऑक्सीजन पूरे देश के कई राज्यों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मचे हाहाकार के बीच रांची रेल मंडल ने झारखंड के बोकारो से तीनों टैंकरों में कुल 40.34 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ ट्रेन बोकारो से लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन मुरी रांची लोहरदगा होते हुए स्टोरी स्टेशन 3:50 में पहुंची। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। इस कड़ी में रांची रेल मंडल की ओर से पहली बार ग्रीन कॉरिडोर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए बनाया गया, जो बोकारो से टोरी तक लगभग 50 टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। रांची रेल मंडल के परिचालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन का परिचालन रांची रेल मंडल से किया जा रहा है, और बोकारो से चलकर लखनऊ जाने के लिए जिसका परिचालन रांची रेल मंडल के द्वारा हुआ है, पोर्शिला से टोरी तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी 3:50 में कवर किया गया है, और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि ऑक्सीजन स्पेशल जो है कहीं पर भी इसकी रुके ना, कहीं पर भी इसकी स्पीड धीरे ना हो, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो तेजी से जल्दी से जल्दी और तेजी से किया जाए। कोवाली थाना क्षेत्र के रसून चोपा में बकरी व्यापारियों से बंदूक की नोक पर 1,70,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू कुमार सिंह उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि 20 दिनों पहले कोवाली थाना क्षेत्र के रसुनचोपा पुलिया के समीप टाटा मैजिक वाहन पर फायरिंग कर उड़ीसा के रायरंगपुर के रहने वाले दो बकरी व्यापारी से 1,70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम 8 लोगों द्वारा दिया गया था, जिसमें से मौके वारदात पर 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए कोवाली पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। कोवाली पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा के रहने वाले सोनू कुमार सिंह उर्फ लादेंग को छापा मार कर गिरफ्तार कर कोवाली पुलिस जेल भेज दिया है। सरायकेला जिले के चौका थाना की पुलिस ने बीते 4 मार्च 2021 को 2 अवैध लौह अयस्क लदा हुआ ट्रक को जब्त करते हुए 2 ट्रक मालिकों को जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस ने पहले ट्रक मालिक संजीव कुमार यादव और बिन्नी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर चौका थाना की पुलिस ने इसी मामले में आज अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त एडसन वाकर चरणजीत सिंह उर्फ पाजी और दोनों गाड़ी के चालक मुकीम अंसारी और पिंटू यादव को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महामारी में क्या राजा क्या रंग, सभी अपने प्राण सुरक्षा में जुड़े, चाहे सरकारी बाबू हो या फिर मजदूर, इसी कड़ी में आज जिला सर्विनाश ऑफिस में सैनिटाइजर करते दिखे, जहां पूरे ऑफिस सहित एम्बुलेंस तक को सैनिटाइज किया गया। हम लोग अंदर ऑफिस में जिला सैनिटाइज किए, हम लोग बस आ रहे हैं पर जिला सर्विनाश ऑफिस। पूरे दुनिया में कोरोना ने लोगों को परेशानी में डाल दी है। वहीं कोरोना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन कोई मानने को तैयार नहीं। स्टेशन पर मेडिकल टीम गठित की गई, मेडिकल टीम के लिए कुर्सी और टेबल लगा है, लेकिन टीम गायब है। स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सैनिटाइजर मशीन लगी, लेकिन सैनिटाइजर काम नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों को पूछने वाला कोई नहीं है। यात्री ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे, लेकिन इसका नाम और पता नहीं पूछा जा रहा है और न ही कोई जाँच की जा रही है। कौन कौन से ट्रेन यहाँ पर अभी आ रही है? अभी तो सब आ गए हैं, अभी अभी सब गाड़ी आ गई है। जो पैसेंजर आ रहा है सब लोगों का जांच हो रहा है क्या? हटिया जाने वाली है। लंबी कराते और दृढ़ निश्चय, चाहे जितना समय लगे वैक्सीन लेकर ही जाएंगे, के हौसले के साथ घंटों वैक्सीन सेंटर में लोगों में साफ साफ दिख रहा है कि मात्र जीवन सुरक्षा यंत्र कोरोना वैक्सीन ही है। जमशेदपुरी नहीं, कई स्थानों में पहले वैक्सीन से लोग डर रहे थे, उन्हें लगता था कि वह मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मगर जब इस महामारी में मौतों की संख्या बढ़ने लगी तो लोग भयभीत हो उठे और अपने नजदीकी वैक्सीन केंद्र में सुबह से ही लाइन में लग वैक्सीन लेने की जिद में जुटे हैं। एक नजारा जमशेदपुर के रेड क्रॉस और अन्य वैक्सीन सेंटर की, जहां लोग अपनी सुरक्षा कवच वैक्सीन लेने के लिए खड़े हैं। को वैक्सीन लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। आज मैं स्वयं वैक्सीन लेने आया हूं और आम लोगों से मेरी यही आग्रह है कि आप लोग भी आके वैक्सीन लें। बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार के गाइडलाइन में मंदिर मस्जिद नहीं बंद होंगे के फरमान को मानते हुए जिला में रोजा रमजान के माह में तमाम मस्जिदों में रोजदारों को नहीं जाने का ऐलान। एक बैठक में सहमति के साथ लिया गया फैसला। हम लोग अपने घरों में इबादत करते हुए इस महामारी में सरकार के दिशा निर्देश के साथ है, जहां लोगों को दुख तो है कि आज रमजान का माह है और हम अल्लाह के घर इबादत के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच खुशी भी है कि ऐसा करने से सामाजिक दूरी बनी रहेगी। ये अल्लाह का घर बंद करने में अगर इसका बदला ये दे कि आग बरसा दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सब अल्लाह का बनाया हुआ जमीन है और अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर को वीरान करवा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है। अफसोस की बात के साथ साथ सरकार की जो गाइडलाइंस है SOP है कोविड के लिए, उसको तो फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और हजू हमारे हजूर ने भी फरमाया है कि जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही चला जाए तो बेहतर है। साथ साथ रमज़ान के महीने हैं तो रमज़ान के पाक महीने में जाहिर सी बात है दुख होता है, मस्जिद नहीं जाता आदमी। धनबाद सदर अस्पताल को रविवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में कोविड को देखते हुए ICU के 60 बेड और नन ICU के 40 बेड बनाया गया है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ सभी को शनिवार को धनबाद टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी।
वहीं दूसरी खबर यह है कि धनबाद में ऑक्सीजन की भी अब कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का एक खेप आज सदर अस्पताल पहुंचा है। साथ ही सभी आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। ये सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे मेडिकल पैरामेडिकल जितना भी डॉक्टर स्टाफ है सबका ट्रेनिंग है 12 बजे से टाउन हॉल में। इन लोग को लाइन अप कर दिया जाएगा कि किस तरह पेशेंट प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है और कितना भी मतलब मुसीबत आवेगा ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करना है सब कुछ करना सारी चीज़ का ट्रेनिंग आज दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सिलेंडर भी बहुत जम्बोजेट भी 100 करीब आ चुका है और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है और बाकी जितना भी मैन पावर जो भी है हमारे सब तैयार हैं। ताजा मामला केंद्रवाड़ी क्षेत्र के सुंदर एरिया के अंतर्गत अलकुसा लोडिंग पॉइंट में लोडिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस और जनता मजदूर संघ आमने सामने दिए गए। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई, दोनों ओर से पत्थरबाजी भी होने लगी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं इस दौरान गोली चलने की बात सामने आ रही है जो कि घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बहुत दिनों के बाद अलकुसा लोडिंग पॉइंट का काम आज से शुरू हुआ था जो कि विवाद का भेद चढ़ गया है। वहीं पुलिस उपद्रवियों को भगाकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस फायरिंग की घटना को अस्वीकार कर रही है। कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र पासवान और जमात की तरफ से मुन्ना सिंह वगैरह के दो गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। दोनों को शांति पूर्वक समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। वार्ता के पश्चात हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। पत्थरबाजी हल्का हुआ है लेकिन फायरिंग की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। खोखा भी बरामद हुआ है। फायरिंग हुई है कि नहीं ये जांच करने के बाद स्पष्ट होगा।